सियासत के चंद चमकते चेहरे नहीं, हम सितम से बनी हर झुर्री दिखाने आए हैं। अब वक्त है कि बात हो मुद्दों पर, ताकि सिर्फ खबर रहे और रहे उसका असर। क्योंकि चमकती चूनर के तराने नहीं, हम चीथड़ों की कहानी कहने आए हैं। बयानों के वार पलटवार कब तक बनेंगे सुर्खियां, अब वक्त है कि बात हो मुद्दों पर। क्योंकि खबर कहां किसी के कहने से हुई है सही, हम खबर की सारी हदें मिटाने आए हैं। नेटवर्क 10, सच की हद तक। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कुमार स्वीट्स माजरा की तरफ से पूरे देश प्रदेश को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान। 16-17 जून के बाद उत्तराखंड में कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, कई लोगों की जिंदगियां बदल गई, कई लोगों ने अपनों को खोया। लेकिन अब जो सबसे बड़ा संकट इन इलाकों में, पूरे उत्तराखंड के उन इलाकों में जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाने जाते थे, वहां के व्यवसायियों के लिए सबसे बड़ा संकट अब खड़ा हुआ है, रोजी रोटी का संकट। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी आपदा को मीडिया में प्रचारित किया गया, इसके बारे में खबरें आई और तमाम जगहों पे अलग अलग मंचों पे नेताओं ने इस पूरी घटना को जिस तरीके से महिमामंडित किया, उसके बाद अब सैलानी, देश के कोने कोने से सैलानी यहां आने से डर रहा है। चारधाम यात्रा पूरी तरह से ठप हो चुकी है, लेकिन वो जिले जहां पर आपदा का नामो निशान भी नहीं था, जैसे मसूरी, नैनीताल, कई जिले, वहां पर भी अब पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। उनके मन में खौफ बैठ गया है आपदा को लेकर। आइए देखते हैं किस तरीके से इस आपदा ने पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ दी है। उत्तराखंड के कई जिलों में आई आपदा के बाद जो हालात इस समय प्रदेश में बने हुए हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि जैसे प्रदेश कई बरस पीछे खिसक गया है। हालात बेहद खराब है, लोगों के आशियाने ही नहीं बल्कि रोजी रोटी सब कुछ फना हो गए। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के लोगों की कमाई के तमाम जरिए पूरी तरह से खत्म हो गए। होटलों, दुकानों, टूर एंड ट्रेवल्स, खच्चर वाले, हर किसी पर आपदा की मार पड़ी है। उनके सामने अब बड़ा सवाल मुंह खोले खड़ा है कि आखिर वो अपनी जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाएं। इस बार पर्यटन पर बहुत बुरी मार पड़ी है, क्योंकि मॉनसून लगभग 15 दिन पहले ही प्रदेश में बरस पड़ा और इस तरह की तबाही अपने साथ वो लेकर आया कि हर कोई दहल गया। कुछ लोगों ने लोन लेकर गाड़ियां खरीदी थी, लेकिन अब वो घर पर खड़ी हैं, क्योंकि कोई यात्री इन इलाकों तक पहुंच ही नहीं रहा। सरकार के ढेरों गेस्ट हाउस इस आपदा में बह गए और जिन इलाकों में इन दिनों सैलानियों की भरमार रहती थी, वहां आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। पर इस बार आपदा को कुछ इस तरह प्रचारित किया गया कि वो जिले जिन इलाकों में सामान्य बारिश भी हुई, वो भी बुरी तरह प्रभावित हो गए। पहाड़ों की रानी मसूरी का रुख करने को कोई तैयार ही नहीं, जबकि वहां के हालात सामान्य हैं।
वहाँ के होटल मालिक, दुकानदार, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले सभी इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं कि उनके लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ऐसा ही हाल नैनीताल, पिथौरागढ़, रानीखेत और अल्मोड़ा का भी है। चारधाम पर टिकी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स पर सैलानियों की न पहुंचने की वजह से अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। स्पेशल डेस्क नेटवर्क 10। तो बहुत बड़ा असर पड़ा है पर्यटन उद्योग पर। पूरे होटल, रेस्टोरेंट और सड़कें खाली हैं। उन जगहों पर जहां पर कदम रखने की जगह नहीं मिलती थी, सैलानियों से भरे पड़े रहते थे जो इलाके, वहां आज सड़कों पर आप युवाओं को क्रिकेट खेलते हुए देख सकते हैं सड़कों पर। जी हां, ये एक बड़ा साइड इफेक्ट हुआ है आपदा का। जिस तरीके से प्रचार किया गया उसके बाद, जिस तरीके से तमाम सैलानियों ने मुंह मोड़ लिया है उत्तराखंड से, ऐसा ही हाल पिथौरागढ़ जनपद का भी है। आइए देखते हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का बेहद हसीन पहाड़ी जिला है। कुदरत ने इसे हसीन तोहफों से नवाजा है। कहीं दरख्तों की दुनिया दी है तो कहीं झरनों का संसार बसाया है। आपदा से पहले ये जिला सैलानियों से गुलजार रहता था, लेकिन आपदा के बाद यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। न होटलों में काम है, न सड़कों पर चहल पहल। कारोबारी कहते हैं आपदा का प्रचार आपदा से कहीं ज्यादा हुआ। नतीजतन आपदा के हौवे ने पूरे जिले के कारोबार को तबाह कर दिया। लोगों को ये लगा जैसे कि ये तो शहरों के अंदर ही हो रहा है, ये आभास नहीं हो पाया कि ये शहरों से बहुत दूर है। उसका नतीजा ये निकला कि जो सामान्य जो पर्यटक आते थे हमारे शहर में भी, जो आ रहे थे वो भी एक तरह से रुक गए। उनको ये भय हो गया कि नहीं, उन्हें लगा कि तो पिथौरागढ़ शहर के अंदर भी हो रहा है। सारी आवाजाही पर्यटकों की बहुत कम हो गई उसके कारण, और पिछले लगभग ये समझिए इस आपदा के बाद से तो तकरीबन शून्य के आसपास आ गया। आपदा से पहले पिथौरागढ़ में सैलानी जी भरकर पैराग्लाइडिंग का लुत्फ लेते थे, पहाड़ी रास्ते पर ट्रैकिंग का मजा लेते थे, झरनों की खूबसूरती का दीदार करते थे, लेकिन अब सब कुछ थम सा गया है। जिले के पर्यटन अधिकारी कहते हैं आपदा ने पूरे जिले पर असर डाला है। बड़े कारोबारी हों या छोटे दुकानदार, सब पर असर पड़ा है। में जो 16-17-18 में जो बाढ़ और भयानक वर्षा हुई है, आकस्मिक वर्षा, और मानसून से 10 दिन पहले ये स्थिति हो गई है, तो पिथौरागढ़ जनपद जो है हमारे उत्तराखंड का सीमांत जनपद है और कई देशों से लगी हुई सीमांतों से बसा हुआ है। यहाँ विदेशी और भारतीय पर्यटकों का काफ़ी अच्छा आवागमन भी था, और जिससे जुड़े पर्यटन गतिविधियों से जुड़े जितने भी व्यवसाय हैं, इस आपदा से लगभग पर्यटकों का आवागमन शून्य जैसे हो गया। सूबे का पर्यटन कारोबार भेड़िया आया जैसे किस्से का शिकार हो गया। आपदा मिलो दूर आई और सुनने वालों को लगा मानो तबाही पड़ोस में कह ढा रही हो। तय है कि अगर सरकार ने जल्द कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया तो पर्यटन प्रदेश बनाने का सपना वक्त से पहले ही फना हो जाएगा। लिहाजा जरूरत है एक बड़े कार्यक्रम की, ताकि सैलानियों के दिलों दिमाग से आपदा का डर निकाला जा सके, ताकि सैलानी फिर से सूबे की खूबसूरती का दीदार करने आ सके। राकेश पंत, नेटवर्क 10, पिथौरागढ़। तो ये जवाब सरकार के पास भी नहीं है कि कब तक चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। चारधाम यात्रा को लेकर भी अभी सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है कि चारधाम यात्रा कब तक वो शुरू करवा पाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, जो पूरा प्रदेश आपदा के दौरान सड़कें टूट गई हैं, जो पूरी तरीके से चारधाम यात्रा पर आधारित था, ये पूरा इलाका, एक बड़ा इलाका चारधाम यात्रा पर आधारित था, जिसकी रोजी रोटी वहां पर सड़कें टूटने की वजह से उनके सामने व्यवसाय का संकट, रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि वो इलाके जो कि इस पूरी आपदा से अछूते रहे, वहां भी ये संकट देखने को मिल रहा है। ऐसा हाल नैनीताल का भी है। चप्पों के संगीत पर अब नैनी झील नहीं थकती, क्योंकि सैलानियों का रुख उसकी ओर क्या नैनीताल की तरफ भी नहीं हो रहा है। दरअसल उत्तराखंड के कुछ जिलों के कुछ इलाकों की आपदा ने सैलानियों के सामने सुरसा के मुंह की तरह रूप धर लिया है। सैलानियों के सामने सूबे की डरावनी तस्वीर बन गई है। हालांकि हकीकत यह है कि कुमाऊं मंडल के तकरीबन सभी पर्यटक स्थल महफूज है, बावजूद इसके सैर के शौकीन रस्सी को सांप समझ रहे हैं। टैक्सी स्टैंड पर खड़ी है तो होटल की लॉबी सुनसान। जो पर्यटन सूबे की आय का जरिया था, आपदा की खबर ने उस पर बट्टा लगा दिया है। कारोबारी परेशान है।
हमारा ये कहना है कि एक्चुअल जो आपदा आई है वो गढ़वाल के क्षेत्र में आई और यहाँ बागेश्वर का जो लॉन्गेस्ट जो एरिया है वहाँ पे है और नैनीताल सहित अन्य जगह कहीं भी जो जिला है उधम सिंह नगर नैनीताल हरिद्वार ये मैदानी क्षेत्रों में कोई भी प्रभावित नहीं है और यहाँ पे तो बहुत अच्छा खुशमार मौसम भी है और यहाँ की जो सड़कें भी बहरहाल ठीक है और यहाँ का जो व्यवसाय और यहाँ के दूर दराज से विश्वविख्यात तो नैनीताल है यहाँ पे तो सब ठीक है और यहाँ क्योंकि लोग उत्तराखंड के नाम से डर रहे हैं जबकि वास्तविकता ये है कि गढ़वाल साइड में जो आपदा आई हुई थी और यहाँ जो है पिथौरागढ़ से आगे यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर जो है वो आई यहाँ पे इस जिले में आस पास में कहीं पर भी कोई जो है इस तरह का जो है आपदा नहीं और सब सामान्य और बढ़िया यहाँ का मौसम और व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा है। नैनीताल में पर्यटकों की खिदमत में हाजिर रहने वाले कारोबारी कहते हैं आपदा की खबर ने नैनीताल के पर्यटन व्यवसाय की कमर तोड़ कर रख दी है। कारोबारी इसका दोष मीडिया और सरकार दोनों को देते हैं। साथ ही कारोबारियों का वाजिब मशवरा है, मीडिया को अपने किरदार में थोड़ा बदलाव लाना होगा ताकि जन माध्यम का जन समूह पर सही असर पड़े। वहीं सरकार से भी गुजारिश है कि अपने प्रचार तंत्र को दुरुस्त करे ताकि महफूज जगहों का कारोबार जिंदा रह सके। जिस तरीके से मीडिया ने और खुद सरकार ने भी जिस तरीके से आपदा आने के बाद प्रचार किया है और उससे पूरे देश के भीतर एक उत्तराखंड की एक छवि बनी है कि पूरा उत्तराखंड ही जैसे आपदाग्रस्त घोषित हो गया है और ये बहुत ही गलत है क्योंकि उत्तराखंड की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन के ऊपर टिकी हुई है और हम देख रहे हैं कि नैनीताल हो और इसके आसपास के इलाके हैं मसूरी है उसके आसपास के इलाके हैं जिन इलाकों में किसी तरीके की कोई भी जो है आपदा नहीं आई है। इसके बावजूद आप देखेंगे कि दिल्ली से जो ट्रेन आ रही है वो खाली आ रही है क्योंकि इस तरीके का जो प्रचार पूरे देश में किया है वो बहुत ही गलत है और इस प्रचार के खिलाफ सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और मीडिया को भी थोड़ा सचेत होना चाहिए। आपदा से कई नुकसान हुए हैं। सूबे के जिन इलाकों में आपदा आई वहाँ तो हाल बुरे हैं लेकिन जिन जगहों का बाल बाका भी नहीं हुआ वो इलाके मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। लिहाजा जरूरत है ऐसे कदम उठाने की जिससे सैलानियों का डर दूर हो सके ताकि पर्यटन का कारोबार फिर से राज्य की माली हालत सुधारने में अपना योगदान दे सके। जाहिर है ऐसे मीडिया और सरकार दोनों को पहल करनी होगी। प्रवीण कपिल, नेटवर्क 10, नैनीताल। तो आपने देखा कि किस तरीके से नैनीताल जिला भी प्रभावित है इन दिनों आपदा से, सैलानी रुख नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह उठता है कि चूक कहां से हो गई, क्या मीडिया में जिस तरीके की खबरें आई उससे पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी यह संदेश गया कि पूरा उत्तराखंड आपदा ग्रस्त है। वहीं कुछ जो कसर बची थी हमारे नेताओं ने भी वो पूरी की, जिस तरीके से ये कहा गया कि हिमालयन सुनामी उत्तराखंड में आ गई है उसको लेकर भी दर्शक बेहद चिंतित रहे। छोटे छोटे व्यवसायी भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वो लोग जो खच्चर चला के अपनी जीवन रोजी रोटी कमाते थे, जीवन चलाते थे, उन पर भी बहुत असर पड़ा है। होटल व्यवसायी तो हैं ही लेकिन इन लोगों की रोजी रोटी अब आगे कैसे चलेगी, जिन्होंने डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए लोन लेके खच्चर खरीदे हैं वो लोन कैसे भरेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इन व्यवसायियों के साथ। उत्तराखंड में एक आपदा प्रकृति ने दी और दूसरी आपदा ऐसी है जो मानवीय त्रुटि से आपदा के रूप में फिलहाल जिसे लोगों को झेलना पड़ रहा है। ऐसा ही एक आपदाग्रस्त क्षेत्र है, मानवीय आपदा से ग्रस्त क्षेत्र है धनुल्टी, और धनुल्टी में इस समय जहाँ खड़ा हूँ वो है घोड़ा पार्किंग स्टैंड। यहाँ घोड़े खड़े होते हैं और यहीं से घोड़े खच्चरों की बुकिंग करते थे पर्यटक ऊपर विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए, लेकिन फिलहाल घोड़ों की संख्या भी कम हो गई है और पर्यटक तो फिलहाल नजारा दिखते हैं। कुछ इस कारोबार से जुड़े हुए लोग जिनके घोड़े यहाँ खड़े हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो साहब वीर सिंह है। वीर सिंह जी, आप क्या काम करते हैं? मैं तो यही घोड़ा चलाता था सारे यहाँ पे, लेकिन इस साल तो सीजन का ही आपदा के चक्कर में सारा मामला गड़बड़ हो गया है क्योंकि मेरे साथ कम से कम 50 घोड़े प्रतिदिन के हिसाब से आते थे, तो आज देखो जब पर्यटक यहाँ पे नहीं है तो इसके चक्कर में 5 घोड़े 7 घोड़े कुल आ जा रखे हैं जिनको कि शाम को चना गुड़ खिलाना भी बड़ा मुश्किल हो रखा है। तकरीबन ये जो धनुल्टी इलाका है, ये मार्केट है, इससे इर्द गिर्द कितने क्षेत्र के लोग, कितने गांव के लोग लोगों के घोड़ा का कारोबार करते हैं? घोड़े तो सर जी यहाँ पे कम से कम मेरे ख्याल से 12-13 गांव जो ऐसे हैं कि जो इसी पर्यटन स्थल के पीछे जिनका लालन पालन हो रहा है। बाकी इस साल तो अब है नहीं, लेकिन 12-13 गांव ऐसे हैं कि जो मतलब इसी पर्यटक स्थल में जिनके घोड़े भी यहाँ पे करते थे, थोड़ा बहुत यहाँ पे और भी कोई व्यवसाय, थोड़ा बहुत होटल के जैसे ठेलियाँ वगैरह लगाते थे, तो पूरा रोजगार तो साहब इस साल तो खत्म ही है मतलब इस आपदा के चक्कर में। कितने घोड़े यहाँ जब पीक सीजन होता है इस्तेमाल होते हैं जो यहाँ आते हैं बारी बारी से? यहाँ पे तो सर जी पीक सीजन में तो यहाँ पे कम से कम 100 घोड़े भी कमी है, मतलब दोनों पार्टियाँ जो कि व्यवस्था ऐसी कर रखी थी कि अस्तबल में भी जगह न होने के कारण 50 घोड़े पर डे के हिसाब से यहाँ पे आते थे,
तो जब पीक सीजन चलता है तो दोनों 100 घोड़े पूरे आ जाते हैं, काम चलता है तो आते हैं पूरे। तो इस साल तो साहब 100 क्या, यहाँ पे 50 क्या, ये 5 घोड़े भी आज 3 दिन से खड़े हैं जो कि नंबर सीरियल से चलते थे, इनका भी अभी तक कोई नंबर नहीं आया। जो घोड़े खच्चर हैं ये किस काम आते हैं, यहाँ पर्यटकों को ले जाने के या माल ढोने के? नहीं नहीं, तो पर्यटक के यही चक्कर में है सर जी, माल ढोने वाले तो गाँव में जो है वो तो अलग है, लेकिन ये तो पूरे पर्यटक के हिसाब से लाए जाते हैं यहाँ पे। पर्यटकों को ये घोड़े कहाँ कहाँ ले जाते हैं? पर्यटकों के लिए तो साहब यहाँ पे पॉइंट है, वैसे व्यू पॉइंट है, एप्पल गार्डन है, दुर्गा कुंड है, एक तपोवन भी है, बाकी यहाँ एक सिद्ध भोले बाबा का मंदिर भी है आगे, तो काफी जगह है। वैसे 2-3 यहाँ पे सुरकंडा टेम्पल भी है, वहाँ तक भी जाते हैं घोड़े। क्या रेट होता है घोड़ों का जिस समय? रेट का तो सर जी ऐसा है कि रेट तो फिलहाल यहाँ पे रीजनेबल है कि मतलब 150 रुपये पर पॉइंट के हिसाब से ले जाते थे हम इन लोगों को, कि मतलब एक जगह जाओगे तो 150 रुपये पड़ेगा, तीनों जगह के हिसाब से मतलब इसमें 400 रुपये घोड़े के हिसाब से, जैसे व्यू पॉइंट, एप्पल गार्डन और दुर्गा कुंड 150-150 रुपये में जो जाते थे, 450 रुपये बनता था, तो 50 रुपये इसमें डिस्काउंट होता था अगर जो पर्यटक तीनों जगह जाए। एक घोड़ा अगर जो पशु है वो अगर पीक सीजन है उसे काम मिल रहा है तो एक दिन में कितना कमा लेता है? सर इसका तो ऐसा है कि कभी कभी 1000-1200 में भी चल जाता था, अगर 2-3 चक्कर आ जाए तो 1000-1200 में भी चल जाता, लेकिन कम से कम 7-8 सौ पीक सीजन में तो हर किसी का होता ही था। आज की स्थिति क्या है, एक घोड़ा कितना कमा रहा है? आज तो सर जी ऐसा है कि कमाना क्या है, आज तो इसके लिए पौ भर गुड़ जो कि इस समय यहाँ पे 10-12 रुपये का आता है, 12 रुपये का है पौ भर गुड़, वो भी खिलाने के लिए पैसा नहीं है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से अभी तक एक घोड़ा भी स्टैंड से बाहर नहीं निकला। 3 दिन हो चुके हैं, एक भी घोड़ा स्टैंड से बाहर नहीं निकला। अगर बाहर निकला होता तो एक घोड़ा एक दिन में 1200-1500 रुपए जैसा कि ये बता रहे हैं कमा सकता था। हमारे साथ कुछ और लोग भी, आपका क्या नाम? मेरा नाम गंभीर सिंह। आप भी क्या घोड़ा व्यवसाय करते जी? क्या, किस गांव के हैं? मैं तो डांडे के भी लिखा हूँ। आपके घोड़े कितने हैं? और मेरे तो एक ही घोड़ा है सर। एक घोड़े से आपका परिवार पल जाता है? क्या अगर सर पर ही जाता, लेकिन क्या अगर आपदा के चक्कर में, तो आजकल हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं सर। ये जो आपदा आई है, क्या आपदा यहाँ दिख रही है? यहाँ से जो मतलब यहाँ से 20 किलोमीटर जो दूर है वहाँ पे आपदा आई थी, कि ये धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे तहसील भी है और विधानसभा क्षेत्र भी है, तो नाम तो विधानसभा का आएगा ही, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब जो बादल फटा हुआ है वो यहाँ से कम से कम 20 किलोमीटर आगे फटा हुआ है। गांव में तो बहुत बुरी तरह से क्षति हो रखी है सर जी, आलू की खत्म फसल खत्म हो रखी है, पत्ता गोभी की फसल खत्म है, बहुत बुरे हाल है, कहीं रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, बहुत ही बुरे हाल है। लेकिन यहाँ से 20 किलोमीटर आगे धनोल्टी में फिलहाल कुछ नहीं है, धनोल्टी में ठीक ही है मतलब। लेकिन हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे, उस स्थान पर भी हम ले जाने की कोशिश करेंगे जहाँ तमाम वो आपदा आई है जिसके कारण धनोल्टी का जो पर्यटक है वो प्रभावित हो गया है, ऐसा ही सुरकंडा का स्थिति भी है, वहाँ का भी तमाम चीजें खराब हो गई है, वहाँ का व्यवसाय खराब हो गया है, लोग धनोल्टी आने से डर रहे हैं। तो यहाँ से आगे सुरकंडा मंदिर पड़ता है जिसके नीचे बहुत सारी दुकानें हैं, धर्मशालाएं हैं, उनका बहुत बड़ा कारोबार भी चौपट हो गया है, और न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशुओं को भी इस मानव जनित आपदा से ग्रस्त होना पड़ रहा है, त्रस्त होना पड़ रहा है। स्थिति यह जो ये बता रहे हैं कि जो खच्चरों का जो गुड़ और चना होता था उस कोटे को भी कम कर दिया गया, क्योंकि आजकल कमाई हो नहीं रही है। तकरीबन 100 से अधिक घोड़े यहाँ काम करते थे, और 100 परिवार अगर इससे जुड़े हुए थे तो 100 परिवारों के हिसाब से ये हजारों लोग प्रभावित हुए हैं इस बात से, सिर्फ एक भूल से कि खबर छपी कि धनोल्टी में बादल फटा। हालांकि धनोल्टी सुरक्षित है और धनोल्टी से तकरीबन 20 से 40 किलोमीटर की दूरी पर वो बादल फटने वाला जगह है। हम वहां भी जाएंगे, वहां भी समझेंगे उनको क्या नुकसान हुआ है, लेकिन उस खबर से नुकसान हो गया है धनोल्टी को, वहां के मानवों को, यात्रियों को, पर्यटकों को, साथ में पशुओं को भी, जिन्हें आप देख रहे हैं, डंगरों को भी। अपने सहयोगी अजय शाह के साथ राजीव रावत। तो आपने देखा कि एक गलत खबर से, एक गलत बार प्रचार से, एक गलत बयान से कितना बड़े नुकसान हुए हैं इस आपदा के बाद। एक नई बहस भी इससे शुरू होती है कि किस तरीके के बयान इस दौरान दिए जाने चाहिए, किस तरीके की खबरें आनी चाहिए। इस समय मसूरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत शर्मा जी। रजत जी, रजत अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। रजत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपदा आने के बाद किस तरीके से आपका व्यापार प्रभावित हुआ है मसूरी में? सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आप बोलिए। देखिए, मसूरी में आपदा आने के बाद कम से कम 80-85% का हमारा व्यापार मसूरी का प्रभावित हुआ जी। खासकर 16 जून से लेकर जो 16 जुलाई तक का हमारा जो पीक सीजन होता है उसमें भारी मात्रा में टूरिस्ट ना आने से मसूरी के व्यवसायी को एक संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से नुकसान हुआ है जी, जिसके लिए हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और अभी तक इस त्रासदी को झेल रहे हैं मसूरी के सारे व्यापारी जी। रजत जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि केदारनाथ, रुद्रप्रयाग जिला हो, चमोली जिला हो,
कुमाऊं के कुछ जिले हों, वहां पर हम समझ सकते हैं कि वहां पे आपदा आई थी। क्या मसूरी या मसूरी के आसपास के इलाकों में भी कुछ ऐसी आपदा आई है जिससे सैलानियों को डरने की जरूरत थी इस दौरान? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि एक्चुअली आप मीडिया, अगर आप गलत ना समझे, मीडिया द्वारा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड की आपदा को इतना हाईलाइट किया गया कि मसूरी और नैनीताल, कॉर्बेट और रानीखेत जैसे शहर जहां पर टूरिज्म का पीक सीजन चल रहा था और जहां पे आपदा के नाम पे कोई ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी, वो भी इस लपेट में आ गई। और यहां पे उस केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी, रुद्रप्रयाग जी की उत्तरकाशी की घटना के बाद सारा पर्यटन मसूरी नैनीताल में भी प्रभावित हो गया। जबकि मैं आज भी कहूंगा यहाँ कोई ऐसा बड़ी आपदा नहीं आई है। छोटे मोटे पुस्ते गिरना, भूस्खलन होना वो अलग, लेकिन कोई भी बड़ी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि कोई टूरिस्ट या पर्यटक घबराता आता मसूरी। रजत जी, किस तरीके का नुकसान आप लोगों को हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो कौन कौन से व्यवसायी हैं जिन्हें ये नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्या क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है? व्यवसायी में तो सभी प्रकार के व्यवसायी में नुकसान है, चाहे वो एक छोटा एक कोई मैगी लगाने वाला काउंटर हो या एक कोई बड़ा रेस्टोरेंट या कोई कपड़े बेचने वाले दुकानदार हो। मसूरी जो है, मसूरी की जो जनसंख्या है ये 25,000 करीब है और यहाँ पे जब पर्यटन होता है, जब पर्यटक आता है तभी यहाँ पे जनजीवन चलता है और यहाँ का जनजीवन और अर्थव्यवस्था एक पटरी पे रहती है। जब टूरिस्ट पर्यटक ही नहीं आएगा तो यहाँ पे सभी प्रभावित थे, 100% लोग प्रभावित रहे क्योंकि कोई ना कोई व्यापारी हर किसी ना किसी रूप से पर्यटन से ही जुड़ा हुआ है। रजत जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। आपने कहा मुख्यमंत्री को भी आपने लिख कर दिया है, आप मुझे बताएं आपने क्या चीजें उनको लिख कर दी हैं, क्या चीजें? हमने उनसे कई अपने मुख्य निवेदन, डिमांड कह लीजिए या कुछ सहयोग के लिए कहा था, जिनमें से सिर्फ एक सहयोग हमें दिखा, हमारा पूरा हुआ है। हमने उनसे टैक्स में कटौती की मांग करी थी, कुछ लोन रिबेट्स, लोन को रीशेड्यूलिंग की बात करी थी जिससे कि जो लोन देने में थे उनमें 2-1 साल की रीशेड्यूलिंग मिल जाए, लोन जो दुकानदारों ने व्यापारियों ने लोन ले रखे उनको लोनों में रिबेट मिले। इसके अलावा हमने टीवी और मीडिया के प्रचार से हमने मसूरी और नैनीताल की तरफ पर्यटक को बढ़ाने के लिए कहा था, उसमें मुख्यमंत्री जी और अमृता रावत जी ने कुछ ना कुछ कदम उठाए हैं और हुआ है। आपने देखा होगा कुछ व्यापक स्तर पे नेशनल डेलीज में एड आए थे जिसमें मसूरी आई है सुरक्षित है और नैनीताल आई है सुरक्षित है ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन कुछ अभी तक मुझे लगता है बाकी बहुत कुछ होना जरूरी है। और मैं एक बात आपके माध्यम से कहना भी चाहूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को कि जितना पैसा इस समय उत्तराखंड में आया है पूरा नया प्रदेश बन सकता है इतने पैसे में, और इस पैसे को दुरुपयोग ना होकर सही जगह पे लगना चाहिए, सही काम होना चाहिए। रजत जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर अगर आपसे पूछा जाए, अगर मुख्यमंत्री आपसे पूछें कि क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे जो सैलानी है वो मसूरी का दोबारा से रुख कर सके, क्या क्या ब्लूप्रिंट, क्या रोड मैप आप देंगे मुख्यमंत्री को? मुख्य रूप से आज मीडिया के द्वारा और प्रिंट और टेलीविजन मीडिया के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड सरकार को प्रचार प्रसार करना चाहिए कि मसूरी और अन्य कई क्षेत्र आधे से अधिकतर उत्तराखंड पर्यटन के लिए सेफ है, सुरक्षित है और पर्यटक इधर आए और उन पर्यटकों के लिए हमें कुछ रियायतें देते हुए अपने रोड और अपने रेल मैप और रेल रोड पूरी रोड को इतना बढ़िया रखना चाहिए कि पर्यटक यहाँ के खुश रहे और सुरक्षित रहे। आज भी मसूरी पर्यटक उसकी तरफ रुख कराए और हम सोच रहे हैं कि आने वाले 1-2 साल में अगर उत्तराखंड शासन चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है और हमारा पर्यटन उतना वापस आ सकता है जितना हमने है। चलिए रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। रजत अग्रवाल साहब थे जो कि मसूरी व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, वो बता रहे कि थे कि किस तरीके से मीडिया में आई खबरों की वजह से बयानबाजी जो हुई है, चाहे वो मुख्यमंत्री की तरफ से हुई हो, मंत्रियों की तरफ से हुई हो, उस इसकी वजह से किस तरीके से सैलानी रूठ गए इन इलाकों में आने से जो कि अभी भी गुलजार होने चाहिए थे क्योंकि यहाँ आपदा का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। लेकिन अब क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, क्या वो संतुष्ट हैं सरकार के किए गए कामों से, ये तमाम सवाल उठते हैं। और चलते हैं हमारे समाचार संपादक राजीव रावत के पास जो कि इस समय स्टूडियो में हमारे साथ हैं। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बात रजत अग्रवाल ने कही है कि
जिस तरीके के बयान खुद मुख्यमंत्री ने भी दिए, मीडिया तो जिम्मेदार है ही, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी इस तरीके के बयान उस समय दिए कि एक हिमालयन सुनामी आ गई है, श्रद्धालु यहां का रुख ना करें, क्या इसका प्रभाव गया? निश्चित रूप से देखिए, ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में पत्रकारिता करते समय या सरकारी पदों पर बैठते वक्त जब हम बोलते हैं तो बहुत समझकर हमको बोलना चाहिए, बहुत समझकर हमको अपनी लेखनी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, इस देश में कसाब को जब फांसी लगी थी, कसाब की फांसी का देश ने स्वागत किया, लेकिन उस समय भी बहुत सारी भ्रांतियां इस तरह की फैलाई गई। राजीव जी, कुछ क्षणों के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। आरपी बडूनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये मसूरी होटल वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं। बडूनी साहब, स्वागत है नेटवर्क 10 में आपका। मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरीके से प्रभावित हुए हैं आप इस बार की आपदा से, हालांकि मसूरी में तो कोई आपदा आई नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आरपी बडूनी बोल रहा सर, आपदा ही है, बड़ी दूसरे तरीके से आप बड़ी पूरे पहाड़ के अंदर जो इस टाइम आपदा आई है जी, उससे पूरा टूरिस्ट प्रभावित हुआ है। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है पूरा जितना भी जो है बिजनेस था वो पूरा चौपट हो चुका है। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, सरकार बिल्कुल मामले में मसूरी में भी क्या आपदा आई थी? मसूरी में भी भूस्खलन हुआ कहीं पर, या नदी ने कोई कटाव किया, इस तरीके की कोई घटना हुई मसूरी में? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बडूनी साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मसूरी में भी किसी तरीके की आपदा आई थी? बिल्कुल, मसूरी में आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा मसूरी के अंदर आई है। दो तीन जगह बड़े जबरदस्त भूस्खलन हुआ है और जो यहाँ पर पर्यटक प्रभावित हुआ, पूरे पर्यटक जी हेलो या पूरा पर्यटक प्रभावित हुआ आपदा आई है। मसूरी से जो है 25-26 किलोमीटर दूर आई है, यहाँ केएमटी की तरफ आई है और पर्यटक स्थल पूरा प्रभावित हुआ है। चाहता हूं जो मसूरी का जो मेन हार्टलैंड है, जहां जहां पर्यटक पहुंचता है, वहां पर किस वहां तक पहुंचने के लिए किसी तरीके की आपदा है? क्योंकि देहरादून में तो सड़कें सब ठीक है, मसूरी तक जाने के लिए सड़कें ठीक हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर हम तक। चलिए आपसे संपर्क करेंगे बडूनी साहब से, लगता है हमारा संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पाया। आरपी बडूनी जो कि होटल जो मसूरी होटल वर्कर्स यूनियन है उनके अध्यक्ष हैं। राजीव जी, ये जानना चाहूंगा जिस तरीके से ये तमाम बातें आ रही हैं, बडूनी साहब भी कह रहे थे कि आसपास के इलाकों में तो आपदा आई है, हमारा प्रश्न ठीक से समझ नहीं पाए, लेकिन जो मसूरी का जो पर्यटक स्थल है वो तो बिल्कुल अछूता है आपदा से, लेकिन वहां भी नहीं सैलानी रुक कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप ये जो पूरी कवरेज हुई है या बयानबाजी हुई है, अगर आप देखें तो सियासी बयानबाजी हुई है उसको लेकर? बयानबाजी और जो हमारा रोल है, हम विचारों को, समाचारों को, घटनाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं एज पत्रकार, जो हमारा रोल भी है वो भी इसमें अच्छा नहीं रहा है इस दौर में। कहीं हमने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, बहुत स्थानों पर हमारे साथी गए हैं, ऐसे विकट स्थानों पर गए हैं, लेकिन जो संदेश देश दुनिया में हमने दिया उसका असर गलत निकल रहा है। मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा था कि जब कसाब के बाद जो दूसरी फांसी थी, जो भारतीय ही आतंकवादी था, तब खबर छपी देश दुनिया में कि घाटी में तनाव, और उस घाटी में तनाव का अर्थ यह निकाला गया कि देश डर रहा है फांसी से। यह लग रहा था कि पूरी कश्मीर घाटी में आतंक है, अगर किसी छुटपुट जगह पे एक छोटी सी हिंसा हो गई तो पूरा कश्मीर और जम्मू जो प्रदेश है उसमें तनाव हो गया। अब जब पर्यटक वहां जाएगा, यह उस तनाव का व्यापक असर यह हो सकता है कि देश में दंगे फैल सकते हैं, और उन दंगों को कंडम करने के लिए मुझे ध्यान है कि उस पर एक बड़ी चर्चा को मैं स्वयं उसमें था, जिसमें मेरे साथ कई बड़े वरिष्ठ पत्रकार लोग थे, और उनमें से किसी ने कहा नहीं ये खबर छपी है कश्मीर से कि घाटी में तनाव, और मैंने बड़ा विरोध किया, मैंने आप बात गलत बात कह रहे हैं, घाटी में तनाव अगर दो लोग उसमें मारे गए हैं, छिटपुट हिंसा भी है एक शहर के किसी गली में, तो उसमें घाटी में तनाव अगर हेडिंग हमने दे दी तो उसका असर क्या जा रहा है? तो ऐसे ही देश के बहुत सारे पत्रकारों ने उसे कंडेम किया, जिससे वो मैसेज गलत नहीं गया, नहीं तो हो सकता था कि एक बहुत बड़े दंगे भारत में शुरू हो जाते उस फांसी को लगाने के परिणाम स्वरूप। लेकिन ऐसे काम हमको जब हम करते हैं तो उसका व्यापक असर लेकिन, आप देखिए आसान ठीक है, मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की है, मीडिया क्योंकि कई पत्रकार दिल्ली से आए वो इस बात को शायद ना समझ पा रहे हैं, वो जो यथास्थिति थी वो उसको बयां करते चले गए, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जो देहरादून से गए थे उन्होंने क्या हेडिंग दी? जो समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं देहरादून से उनकी हेडिंग भी थी धनोल्टी में बादल फटा। प्रश्न यह कि धनोल्टी में बादल फटा, मसूरी के उधर वो हो गया, हमको